सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आपका अपना YouTube चैनल डॉक्टर किसान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आजकल हम बात कर रहे हैं जो हमने अपने रिसर्च वैरायटी लगाई हुई है, आजकल हम उन्हीं के ऊपर आप लोगों से आपको जानकारी दे रहे हैं। ये हमारा एक प्लॉट है पल्ली तरफ, जो आप देख रहे हो वो हमारा एक स्पेशल 4 वैरायटी लगी हुई है, जो कि गोल है, अंदर से वाइट है और पैदावारी में जबरदस्त है। उसी के कंपेरिजन में, उसी के बराबर में हमने ये वैरायटी लगाई, रिसर्च वैरायटी, जिसे हम V4 के नाम से जानते हैं। दोनों वैरायटी ने आज 43 डेज, लगभग 43 दिन कंप्लीट किए हैं। अब हम दोनों में देखेंगे, दोनों में सेम डेज डोज दी गई है खाद की, सेम स्प्रे किया गया है। अब हम दोनों में एक एक सिंगल प्लांट उखाड़ेंगे, देखेंगे नीचे आलू की स्थिति क्या बनी हुई है, क्योंकि ऊपर से हम देख रहे हैं बहुत ही जबरदस्त फसल है, कोई परेशानी नहीं है। अब टाइम आ गया है कि जो आगे का ट्रीटमेंट दिया जाना है वो अंदर की स्थिति देख के ट्रीटमेंट इसमें दिया जाना चाहिए कि नीचे की स्थिति क्या बनी हुई है, क्योंकि बहुत से फार्मर्स हैं ऊपर से आए, खेत देखा कि अच्छा चल रहा है, उसी पे अपना खाद देते रहते हैं, उसी पे अपना स्प्रे करते रहते हैं। जब आपका आलू की फसल लगभग 40 से 50 दिन कंप्लीट कर ले, तो उसको जो ट्रीटमेंट दिया जाना है, अगर आपको ऊपर से फसल अच्छी दिख रही है, तो एक बार अपने कोई भी सिंगल प्लांट उखाड़े, उसमें देखें नीचे आलू की स्थिति क्या बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दें। तो किसान भाई, एक नई वेराइटी है V4, आज हम एक सिंगल प्लांट रिमूव करते हैं, इसका निकालते हैं, देखेंगे स्पेशल 4 के मुकाबले इस वैरायटी के ट्यूबर ने कितने ट्यूबर बनाए हैं और इस ट्यूबर ने कितना बड़ा साइज लिया है। आइए किसान, एक यहीं से ले ले हैं कोई भी, चलो ये ले, देखिए लगभग 2 फीट का इसका ये है, पूरा पौधा लस ग्रीन बना हुआ है। अब इसको हम रिमूव करते हैं, ये इसका पौधा है और इसके अंदर ये ट्यूबर देखिए जो हमने उखाड़ा, इसके ट्यूबर अभी हम निकाल रहे हैं। किसान भाइयों, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ये हमारा प्लॉट लगा हुआ है, हमने इसमें केवल एक स्प्रे दिया है और एक बार हमने इसमें यूरिया के साथ अपना कुछ माइक्रोन्यूट्रॉन से अपने जो कुछ खाद थे वो दिए। अब देखते हैं इसके ट्यूबर हैं, निकालते हैं क्या साइज लिया है। किसान भाइयों, बिल्कुल गोल आलू है और अंदर से बिल्कुल वाइट, और आप सोच नहीं सकते, ये देखिए किसान भाइयों, ये इसका मदर ट्यूबर है, लगभग 30 से 35 mm के बीच का मदर ट्यूबर होगा। अब देखिए इसके ट्यूबरों को हम तोड़ते हैं, उसके बाद ही एक साथ काउंट करेंगे। देखिए जो हमने देखे किसान भाइयों, लगभग ये एवरेज ट्यूबर हैं, जो 40 लगभग 43 दिन में इसने साइज ले लिया है। अब इनको हम काउंट करते हैं, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14 और 2, 16 ट्यूबर ऐसे हैं जो एवरेज हैं। और लगभग इसमें जो अभी भी ट्यूबर हैं, ये देखिए, ये लगभग 9 से 10 ट्यूबर ऐसे हैं जो अपना साइज ले सकते हैं। लगभग ये हमने गिने थे 4, 4, 8, 4, 12, 16, 17 ट्यूबर नीचे हैं, लगभग 8 से 9 ट्यूबर ऐसे हैं, जब इसे हम जनवरी के लास्ट माह में इसके पाले को कट करेंगे तो ये भी अपना साइज ले लेंगे। तो किसान भाइयों, ट्यूबर की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, V4 वेराइटी है, स्पेशल 4 के कंपेरिजन में हमने इसको लगाया हुआ है। जैसे इससे सुंदर वैरायटी आपको
पूरे विश्व में देखने को न मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है किसान भाइयों। अब चलते हैं, एक स्पेशल 4 का प्लांट रिमूव करते हैं जो इसके कंपैरिजन में हमने लगाया हुआ था।